दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बेस्ट वीडियो लेके आया हूँ म्यूचुअल फंड की। आज हम बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसमें केवल आप 100 रुपये बचा के और करोड़पति बन सकते हो। अब कई लोग मैसेज करते हैं मेरे को, सर के 100 रुपये बचा के क्या हम करोड़पति बन सकते हैं? तो मैं ये कन्फर्म करना चाहता हूँ कि 100% 100 रुपये बचा के हम करोड़पति बन सकते हैं। मार्केट रिस्क जरूर है, पर हम अगर हल्का फुल्का मार्केट रिस्क ले लेते हैं तो जिंदगी में हम करोड़पति कन्फर्म है बन सकते हैं। पर उसके लिए हमें हमेशा सेविंग करते रहना है। आज हम बात करेंगे ऐसे म्यूचुअल फंड की जिसमें हम 100 रुपये लगा के करोड़पति बन सकते हैं। उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। बहुत ही बढ़िया फंड है टाटा का। अब आप टाटा का नाम सुना होगा आपने, टाटा की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाते हैं, तो आप सोच सकते हो इनका फंड हमेशा बेटर काम करेगा। मार्केट रिस्क है, पर फिर भी अगर हम म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं तो हमें हमेशा ऐसे म्यूचुअल फंड में जाना है जो बढ़िया रिटर्न निकल के हमें दे सके। अगर हम देखें इसका केवल NAV रेट, जो नेट एसेट वैल्यू रेट है, वो करीब करीब 29 रुपीज़ है। अगर फंड साइज की बात करें तो 5,253 करोड़ रुपये लोगों ने इसमें लगाए हुए हैं। अगर हम होल्डिंग की बात करें, 52 कंपनियां हैं। 52 कंपनियों का मतलब ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्होंने पैसा लगा रखा है जहाँ से ये क्या आपके पैसे की वैल्यू निकाल के लेके आएंगी। नाम इसका टाटा स्मॉल कैप है, पर ये छोटी कंपनियों के साथ में अपना विजन क्लियर करके चलते हैं कि ये कंपनी कभी ना कभी बड़ी होंगी। ऐसी ही कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनमें इनको ये लगे कि ये प्रॉफिट देंगी। अगर हम रेटिंग की बात देखें तो 4 स्टार इसको मिले हुए हैं। आप रिटर्न देखो, आप 26.49 है। आप ये देखो, इतना रिटर्न बहुत कम म्यूचुअल फंड देता है। अगर हम 15-20% भी मान के चलें तो भी अपने पैसे की काफ़ी सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम 5 साल की बात करें तो 44.11, थोड़ा नहीं है 5 साल में। अगर वही 3 ईयर की बात करें तो 37.60%। ये देखो कि कितना रिटर्न निकल के दे रहे हैं। हम सोचते हैं 15 मिल जाए, 10 मिल जाए, 12 मिल जाए तो भी बहुत खुश हैं। और हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमें 8% मिलता है, वो है RD, FD, EPF, PPF और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लगाते हैं। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे मान लो आपने RD में पैसा लगाया या FD में पैसा लगा दिया, 6% मान के चलो। वही PPF में पैसा लगाया, इसमें 7.1 है। EPF में 8.1 है। अब 8.1 के ऊपर सरकार आपको ब्याज नहीं देगी। क्यों? क्योंकि सरकार को भी पैसा कमाना है। और जो भी मतलब सुकन्या में पैसा लगाते हैं या फिर FD में, RD में, कहीं भी पैसा लगाते हो आप, तो आपने 2-3 जगह पैसा लगा रखा हो तो 1% पैसा भी निकाल के आप अगर 100 रुपये डेली के आप टाटा स्मॉल कैप में डालोगे तो आप ग्राफ चेक करोगे 5 साल में, 6 साल में, तो आपके 2-3 चीज़ें जैसे RD और FD करवा रखे होंगे और ये अकेला आपका ग्राफ ऊपर लेके जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने मेरे साथ में लोगों को देखा है कि म्यूचुअल फंड से वो करोड़पति बने हैं। तो वो हमेशा मुझे यही समझाते रहे कि आप स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक हम स्टार्ट नहीं करेंगे ना, हमें भरोसा नहीं होता। होता क्या है, जो मार्केट रिस्क है ना, जो लाइन सचिन सर आके TV में बोलते हैं कि मार्केट रिस्क है म्यूचुअल फंड, वो जो लाइन है ना, वो थोड़ी सी आदमी को झंझोर देती है कि मैं पैसा लगाऊं और कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं चला जाए। क्योंकि मेहनत का पैसा है, हर इंसान मेहनत से कमाता है, उसको ये लगता है कि मैं अपना पैसा ऐसी जगह पे लगाऊं जहां से उसकी वैल्यू 100% निकल के आए। देखो रिस्क जो है ना, रिस्क जो शब्द है, आप ये देखो, हम नौकरी करने के लिए जाते हैं या कोई काम के लिए गए तो हमारा खुद का रिस्क है। नौकरी वाले का रिस्क नहीं है, भाई आप नौकरी पे आए हो तो उनका रिस्क है, नहीं नहीं आपका खुद का रिस्क है। आप पहुंच गए तो ड्यूटी कर लो, नहीं पहुंचे तो अपने घर चले जाओ। मतलब आप बीमार हो गए तो ये अपना रिस्क है, भाई अपनी जिंदगी में कितनी बार बीमार होंगे, उतने दिन छुट्टी लेके हमें बितानी पड़ेगी, उसका हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलता है। ठीक है, वैसे ही म्यूचुअल फंड है, मार्केट रिस्क के साथ रहेगा। पर एक बात और भी मैं बताना चाहता हूँ, जो ये जो ग्राफ चलता है मार्केट के अंदर में, जो ये तूफान दिखाया जाता है अप डाउन का, इसमें कभी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना। क्या करते हैं लोग, रोज निफ्टी चेक करने लग जाते हैं, सेंसेक्स चेक करने लग जाते हैं कि सर आज तो मार्केट ऊपर गया, आज तो 60,000 से ऊपर चला गया। तो
जो ये दिमाग में जो लग रहा है ना, इसको निकाल दो आप। आप म्यूचुअल फंड में चिल करके पैसे लगाओ, चिल करके मतलब आराम से हर मंथली कटते रहेंगे आपके। जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में गया, SIP स्टार्ट की, उसको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसको आदत डल गई, हर महीने उतने पैसे उसने जमा करने ही करने हैं। 5-6 साल के बाद आप जाके देखोगे, आप अपने टोटल रकम जमा करना और फिर उनसे पूछना कि मेरे कितने बन गए सर। ये नहीं है डेली चेक करोगे, डेली चेक करोगे तो आपको लगेगा सर मेरे पैसे कम हो गए। एक बंदे ने मैसेज किया, सर मैंने तो ना 9 लाख रुपए लगाए, उसमें से मेरे तो 8-75 दिखा रहे हैं, 2500 दिखाई नहीं रहे। सर स्टार्टिंग में कई बार माइनस में आ जाता है, टेंशन नहीं लेना। धीरे 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 ग्राफ फिर से महंगाई बढ़ेगी, फिर से आपके पैसे की वैल्यू निकल के आएगी और आपका टोटली पैसा बढ़िया जगह लगा हुआ, आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ, 100 रुपये बचा के आप 3,000 रुपये मंथली SIP कीजिए, टाटा स्मॉल कैप फंड, बहुत बढ़िया फंड है। 20% का रिटर्न मान के चलते हैं, ये 26% बता रहे हैं। वैसे 15 से 20% का रिटर्न आता है इससे, अगर लॉन्ग टर्म में हम जाएं 10 से 15 साल के अंदर, 20 साल के अंदर चले जाते हैं तो हमेशा 15 से ऊपर का ही रिटर्न मिलता है। 20% का मान के चलते हैं, इन्होंने 26 बताया है। 28 साल के लिए आपने 10,08,000 रुपये जमा के जो वैल्यू निकल के आई, वो मजा आ जाएगा सुन के, 4,70,72,844 रुपये। इतना पैसा कब मिलेगा? कई बंदे कहते हैं सर 28 साल, सर 30 साल नौकरी करते हैं, 32 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद मिलता है रिटायरमेंट पे EPF से आपको 7 से 8 लाख रुपए, और उसके बाद हम बूढ़े हो जाते हैं, घर पे आ जाते हैं, बोलते हैं सर अपना तो जीवन खत्म हो गया, अब हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि हमारा जीवन कब खत्म होगा। क्योंकि 58 साल के हो गए आप, उसके बाद रिटायरमेंट कर देंगे, और प्राइवेट नौकरी है तो आपको 8-10 लाख रुपए, सरकारी है तो 20-25 लाख रुपए, फिर भी आप करोड़ का सामना नहीं कर पाते। पर अगर हम उसके साथ साथ में टाटा स्मॉल का फंड या जो भी आपको अच्छा लगे उस फंड में भी आप जा सकते हो, पर जो ये जो ग्राफ हम निकाल के लेके आते हैं, इस पे सर्च करके लेके आते हैं भी, ये ग्राफ जो आपका है बढ़िया रिटर्न देगा आपको आने वाले टाइम में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में SIP के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।